गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस कदर खस्ता हाल हो चुकी है कि पाकिस्तान पीएम इमरान खान को पैसे जुटाने के लिए रोज नए नए तरीके इजाद करने पड़ रहे हैं। कभी पीएम हाउस की कार बेचकर तो कभी भैंसों को बेचकर देश को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने आईएमएफ से भी कर्ज की मांग की। अब इमरान खान ने विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानियों के जरिए पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा भंडार भरने का प्लान बनाया है। इसके लिए इमरान सरकार ने विशेष पैकेज का ऐलान किया। इमरान खान की सरकार विदेश में रहने वाले पाकिस्तानियों को सही तरीके से देश में पैसे भेजने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इंसेंटिव देगी। इसके लिए शुक्रवार को इमरान खान ने विशेष पैकेज की घोषणा भी कर दी है। एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद इमरान खान ने ट्वीट कर बताया कि उनकी सरकार विदेशी नागरिकों द्वारा सामना किए जाने वाली सभी बाधाओं और प्रक्रियात्मक मुद्दों को दूर करेगी। इसके लिए पीटीआई सरकार ने काम शुरू कर दिया है। इमरान खान ने कहा कि सभी बाधाओं को दूर करने के बाद अगर बैंकिंग सिस्टम के जरिए पैसे आते हैं तो पाकिस्तान में फंड फ्लो $20 बिलियन से बढ़कर $30 बिलियन हो जाएगा, जो कि $40 बिलियन तक पहुँच सकता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान साल 2013 की तरह एक बार फिर कंगाल होने की कगार पर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सरकार चीन और इसके बैंकों से अब तक करीब $5 अरब का कर्ज ले चुकी है। उस पर चढ़े कर्ज के लिए रोजाना 6 अरब रुपए का ब्याज भरना पड़ रहा है। इसकी वजह से पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी खाली होने की कगार पर पहुँच गया है।